सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। बट गाइस फिलहाल अभी ना कुछ सिचुएशंस बड़ी अलग सी चल रही है। खैर कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ जो हमें एनी हाउ फेस करना ही है, वो जब भी अगर आता है। तो गाइस कल थी तारीख 27 और आज है 28। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बट मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में कल क्या हुआ था। तो अभी आप जो ये व्लॉग देख रहे हो, ये अभी जस्ट अभी 28 तारीख को मैंने भी सुबह ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कितने बजे? 12 बजे। गाइस कल व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया था क्योंकि फिलहाल अभी तुम्हारा भाई घर पे नहीं है। कल से मैं हूँ गाइस अभी मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज। रुको दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये देखो, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तुम्हारा भाई अभी गाड़ी में बैठा हुआ है, ये पार्किंग है गाइस, पार्किंग में। तो भाई कल से मेरी मम्मी, 27 तारीख थी कल, हॉस्पिटल में एडमिट है। 4-5 दिन से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी 22 तारीख से। तो फिलहाल अब हॉस्पिटल इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो दवाइयां चल रही थी ऑलरेडी, जो दवाइयां लेकर आए थे डॉक्टर से, तो दवाइयां भी अच्छे से असर नहीं कर रही थी। हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत जरूरी था। तो इसलिए गाइज मम्मी का जो शुगर लेवल है वो काफी हाई आ रहा है और जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो काफी लो आ रहा है। इसलिए डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि एनी हाउ आप एडमिट कराओ। कल सुबह 27 तारीख की सुबह 6 बजे भी पापा और मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए थे अपने घर के नियर बाय। तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए थे क्योंकि पेट में भी दर्द हो रहा था मम्मी के, तो वो ठीक हो गया था कुछ टाइम के लिए। बट फिर वो दोबारा कल दोपहर में पेन स्टार्ट होने लगा। फिर हम इवनिंग में मम्मी को लिया हॉस्पिटल और मम्मी को फिर एडमिट कर लिया। तो गाइस अभी नहीं पता मम्मी कब डिस्चार्ज होंगी, 1 दिन 2 दिन, टिल देन वो अच्छे से स्टैंड ना हो जाए। क्योंकि अभी बहुत ऑलरेडी जब शुगर लेवल हाई जाता है और खास करके जब बीपी लो हो जाता है तो बॉडी ऑलरेडी वीक हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। उसके बाद फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाओ, जो भी दवाइयाँ नसों के थ्रू अंदर जाती है ना बॉडी में, वो ही जल्दी इफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू द मेडिसिन। तो भाई क्या ही बनाता ना व्लॉग, इसलिए मेरा तो वैसे ही मन नहीं करता। जब घर में ऑलरेडी ऐसी कोई परेशानी चल रही हो, मेरा क्या किसी का नहीं मन करता होगा यार, किसका करेगा मन, किसी का नहीं करता। इसलिए मैं कहा एक बार आपको छोटे से व्लॉग में, छोटी सी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक्चुअली मैं अभी कल से क्या हो रखा है। ठीक है गाइस, आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करें कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। अभी राइट नाउ तो पापा भी गए थे मिलने क्योंकि मैं तो जा ही नहीं पा रहा यार, क्योंकि आईसीयू में तो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत ही मुश्किल से पापा भी जा पा रहे हैं मिलने के लिए। है भाई हॉस्पिटल्स की अपनी है थोड़ी गाइडलाइंस, कुछ हम नहीं कर सकते इसमें। टिल देन मम्मी वार्ड में शिफ्ट ना हो जाए। अब लगा लो आज शाम को 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद में भी मिलने दे फिर जब वो वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो पहले से मम्मी की तबीयत बेटर हो गई है, पापा मिल के आए थे अभी थोड़ी देर पहले, पापा ने बताया बेटर है। तो कोई नहीं गाइस, जो होना है सो होना है। ठीक है, जल्दी आपको मम्मी व्लॉग में हंसती खिलखिलाती हुई दिखेंगी। बाकी आप सब प्रेयर करना। ठीक है, चलो बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ अंदर। ठीक है, पापा अकेले बैठे हैं, पापा और मैं कल से यहाँ पे दोनों साथ में हैं अकेले। पापा ने मुझे बहुत बोला घर चला जा, घर जाके सो जा, बट वो मन में इच्छा नहीं होती यार, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। मैं चला भी जाऊंगा तो दिमाग तो यहीं रहेगा ना, तो इट्स बेटर पापा को भी अकेला ना छोड़ू, पापा के साथ रहूं। रात में भी फिर हमने 1 घंटे की नींद पापा ने ली, फिर 1 घंटे की नींद मैंने ली, एक एक करके। तो ऐसे साथ में हम हैं भाई, फैमिली इज एवरीथिंग यार, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है गाइस इस दुनिया में, सच बता रहा हूँ। सब मतलब सब बेकार है, सब बेकार। फैमिली इज एवरीथिंग, टिल दी एंड आपको आपकी फैमिली काम आएगी। कितना ही भाग लो और चीजों के पीछे, कोई फायदा नहीं है। कितना ही कर लो औरों के लिए, कोई फायदा नहीं है। पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज लव योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स और उनके साथ हमेशा खड़े रहो, तभी आप एक अच्छे बच्चे हो। आपकी प्रेजेंस ही बहुत है आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी उपलब्धि, आपका वहां पे होना ही बहुत है। चलो गाइस टाटा बाय बाय, ओके। बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं भी टेंशन कम ले रहा हूँ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल में है, अच्छे हॉस्पिटल में है, भगवान की दुआ से सारी चीजें बहुत अच्छी है। एक भगवान ने एटलीस्ट इतनी अच्छी लाइफ दे रखी है कि हम एक इतने अच्छे हॉस्पिटल में आए हैं ना, वही बहुत है। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। चलो गाइस बाय बाय, अंदर जा रहा हूँ अब।